वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में देश दुनिया से पधारे आयुष क्षेत्र के सभी विद्वान। नाइन्थ वर्ल्ड आयुर्वेदा एक्सपो को कवर कर रहे हैं और उसी क्रम में आज जिस स्टॉल पर हम आए हैं वो है, उसका नाम है सेवा सदन और जिसके प्रमोटर हैं मिस्टर प्रवीण जी। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आयुर्वेद को लेकर वो कितना सोचते हैं कि सरकार की जो ये इनिशिएटिव है इस एक्सपो को लेकर आयुर्वेद को किस मुकाम तक और जाने की ज़रूरत है। सर धन्यवाद। अजय जी, मैं कहना चाहूँगा अपनी कंपनी के बारे में। कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट 1957 में मेरे फादर ग्रैंडफादर के द्वारा किया गया था। तब से अब तक लगातार हम लोग जब से संभाला है इसको और उत्तरोत्तर ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्लासिकल रेंज लगभग 500 से 550 आइटम, उससे ज़्यादा औषधियों का निर्माण होता है। और एक प्रोडक्ट हमारा मेन है उत्तराखंड मधु एगमार्क हनी, जो कि आज की तारीख में कंपनी का बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है क्वालिटी की वजह से। साथ में जो औषधियाँ हैं वो भी गुणवत्ता के कारण दिन प्रतिदिन अपना स्थान बनाती जा रही हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ हमारा भी नाम लिया जाने लगा है। आज वर्ल्ड एक्सपो में यहाँ पे मेरे स्टॉल पर कितने लोग आए हैं मुझे बहुत प्रसन्नता है। गवर्नमेंट के लोग, अदर अदर स्टेट के डॉक्टर्स, जितना भी तारीफ करके गए यहाँ पे मैं शायद सुनने के लायक नहीं था इतना। बहुत अच्छा उन लोगों ने सेवा दिन के औषधियों को सरकार के इस मतलब इस आगाज को, इस इनिशिएटिव को आप बहुत सराह रहे हैं और आप मुझे ये सर बताएं कि सरकार के इस कोशिश को और बेहतर करने की क्या ज़रूरत है, इसमें क्या वैल्यू एडिशन होना चाहिए। मोदी जी ने जो हमें आगे के लिए दिया है, मैं सोचता हूँ 25 वर्ष का आगे के लिए पूरा एक रास्ता दिखा दिया है, बीज बोझ दिया है कि करना कैसे है। जिस रास्ता दिखा दिया है अभी स्कूलों के 16 स्कूलों के बच्चे 3 दिन से बराबर आ रहे हैं, उनको ये समझा दिया है कि आयुर्वेद का एक्सपो है, आयुर्वेद इतना बड़ा होता है। अभी तक कोई जानते ही नहीं है कि आयुर्वेद में इतना ट्रीटमेंट का व्यवस्था है। यहाँ पे हमारे मैन्युफैक्चरिंग के अलावा काफ़ी स्टॉल्स ऐसे भी हैं जो कि ट्रीटमेंट में काम करते हैं और अच्छा अच्छा डिसीज में काम करते हैं, किडनी में, लीवर में, पंचकर्मा के द्वारा सारी चीज़ें काम कर रहे हैं। तो आयुर्वेद में तो निश्चित रूप से आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे रास्ते खुल चुके हैं, ऑलरेडी खुले हुए थे, बट एक प्लेटफॉर्म पर लाकर दिखाना ये इस एक्सपो का बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हम लोग भी अपने यहाँ जितनी मेडिसिन बना रहे हैं उसमें और अच्छी से अच्छी मेडिसिन हर डिसीज़ के लिए अलग अलग पेटेंट के रूप में देना का प्रयास कर रहे हैं। सर आयुर्वेद को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं हमारे देश में और लोगों के जहन में, अभी जितना घर कर जाना चाहिए था शायद वो मुकाम हम हासिल नहीं कर पाए हैं फिलहाल, तो अभी हम अपने अंदर झांक कर उसको फिल्टर करने की ज़रूरत है हमें, मुझे लगता है, और मेन स्ट्रीम मेडिसिन में हम कैसे आएँ इस पर भी थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है मुझे लगता है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए आयुर्वेद में मेडिसिन की ज़रूरत तब पड़ती है या एलोपैथिक में तब पड़ती है जब हमारा स्वयं का डेली की दिनचर्या गड़बड़ होती है। अगर हम बिल्कुल दिनचर्या ठीक रख के चलते हैं सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक तो शायद मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमने अपना आहार बिगाड़ दिया, व्यवहार बिगाड़ दिया और उसका असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता ही है।
ये मेरी स्वयं की अपनी भी एक प्रैक्टिकल अनुभव है कि कुछ बिगाड़ने से स्वास्थ्य खराब होता है। अब आप मैं ये कहूँगा कि जैसे आपने पूछा कि आगे के लिए औषधियों में क्या सुधार के लिए होना चाहिए, तो सुधार के लिए सबसे पहले आवश्यक यह है कि जो हम लोग घर में खा रहे हैं, बाज़ार में खा रहे हैं, तो हमें पहले इनटेक वो करना है जो हमारे लिए ठीक हो। आजकल इतना फास्ट फूड का चलन चल गया है, वो ताजी है कि पुराना है हमें पता ही नहीं होता, हम उसको ज़्यादा लाइक करते हैं बजाय घर के खाने के, या किसी ऐसी जगह जाना कि जहाँ पे बहुत फ्रेश फूड, बढ़िया फूड मिलता है, पर सब कुछ बाज़ार में जाके खा लेना है। अब किस तरीके से उसमें टेस्ट डेवलप किया जा रहा है, क्यों वो टेस्टी लग रहा है, हमें नहीं पता होता, मगर खाते हैं और रात को लौट के आके बीमार होते हैं, फिर अगले दिन हमें दवाई की ज़रूरत पड़ती ही है। मैं समझता हूँ आपको इस बात से थोड़ा मेरे क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मैंने जैसे बोला था उत्तराखंड मधु हमारा जो ब्रांड है, थोड़ा उधर ले सकते हैं व्यू उसका, तो ये हमारा ऐसा हनी है कि इसके मुकाबले मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियों के पास भी ये हनी नहीं है। हमारा MRP सबसे बहुत ज़्यादा है, दूसरी कंपनी का MRP हमसे बहुत कम है। लोग पूछते हैं जी ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए कि हमने ज़िंदगी में क्वालिटी को ही महत्व दिया है, क्वालिटी को मेंटेन रखा है। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है सर्दियों में, बहुत सर्दियों में, कि कभी कभी ये जम जाता है, तो लोगों को लगता है कि हनी जम गया, कुछ गड़बड़ है इसमें, नकली है, बट ऐसा नहीं होता है। हनी में क्या होता है कि दिवाली से लेके होली तक का जो प्रोडक्शन रहता है वो हनी जम जाता है अधिक ठंडी में होने के कारण। उसमें मेन जो रहता है सरसों, लाही का फ्लावर जो आता है उससे लिया जाता है, जिसमें ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है और ग्लूकोज मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है ऐसा बताया जाता है, इसके कारण वो हनी जम जाता है। उसको वापस हम धूप में रख दें, रिप्लेस कर दें, तो वो फिर अपना पुराना रूप लिक्विड में आ जाता है, मगर अगर उसको जमे हुए हनी को ब्रेड पे लगा के खाया जाए बटर की तरीके से, तो वो भी अच्छा टेस्ट होता है, काम करता है। तो जमा हुआ हनी, हर हनी जमा हुआ नकली नहीं है, उत्तराखंड मधु अगर जम गया तो वो मानिए कि असली ही है। प्रवीण जी ने बहुत अच्छी बात कही, और उनका जो उनकी कंपनी है सेवा सदन के माध्यम से वो सेवा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और अच्छी दवाएं आयुर्वेद की अच्छी दवाएं वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, ये एक बहुत सराहनीय कदम है। हम लगातार कवरेज जारी रखे हुए हैं आयुष टीवी पर, आप बने रहिए आयुष टीवी के साथ। Click on the bell icon to watch our latest videos.